इस फिल्म को बनाने में 16 साल लग गए, लेकिन एक फिल्म बनाने में इतना समय क्यों लगा? पृथ्वीराज सुकुमारन अभिनीत बहुप्रतीक्षित मलयालम फिल्म द गोट लाइफ है। यह फिल्म 28 मार्च को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित। नाजिम मोहम्मद कई आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं के साथ केरल से सऊदी अरब चले गए। अपने पीछे छोड़ गया परिवार में नवविवाहिता पत्नी, प्यारा गांव, नदी और अनगिनत यादें। लेकिन वहां जाने के बाद उनका सपना धूमिल होने लगा। नजीब को सऊदी अरब के रेगिस्तान में बकरी जैसे गुलाम जीवन की कटु पीड़ा सहनी पड़ी। नजीब कड़ी मेहनत के साथ आधे अधूरे दिन गुजारता है। उसे नहाने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। कठोर परिस्थितियों में चरवाहे के रूप में काम करने के लिए मजबूर नजीब को न केवल शारीरिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बल्कि अलगाव और निराशा का भी सामना करना पड़ता है। इसके बाद नजीब की गलती टूट गई। समय के साथ उसे एहसास होता है कि उसके सपने और आकांक्षाएं रेगिस्तानी रेत के टीलों के नीचे दबी हुई है। जीवन में उनके दैनिक संघर्ष की कहानी दी गोट लाइफ फिल्म की कहानी जारी रखती है। आदुजीविथम नामक मलयालम फिल्म को बनाने में 1.5 दशक से अधिक का समय लगा। 10 साल की स्क्रिप्टिंग और 6 साल की शूटिंग के बाद यह पूरी हुई। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2018 और जुलाई 2022 के बीच वाडीरम, जॉर्डन और सहारा, अल्जीरिया के रेगिस्तान में 6 शेड्यूल के माध्यम से हुई, जिसमें कुछ दृश्य भारत के केरल में शूट किए गए। इस फिल्म पर डायरेक्टर ने 2009 से काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि इस फिल्म के लिए सही निर्माता न मिलने के कारण फिल्म को लंबे समय तक छोड़ दिया गया था और आखिरकार 2015 में निर्देशक को एक उपयुक्त निर्माता मिल गया और फिल्म की शूटिंग 1 मार्च 2018 से शुरू हुई थी। लोकप्रिय मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन ने द गॉट लाइफ में नजीब की भूमिका निभाई। फिल्म में पृथ्वीराज 2 लुक में नजर आएंगे, जहां उन्हें काफी स्वस्थ देखा जा सकता है। इस वजह से उनका वजन 98 किलो करना पड़ा। वहीं दूसरे सीन के लिए उन्हें 67 किलो तक लाया गया। फिल्म की कहानी ही नहीं, शूटिंग के दौरान भी एक्टर को कई मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। जॉर्डन के रेगिस्तान की तेज धूप में 3 लोगों सहित पूरी टीम बीमार पड़ गई। कोविड-19 महामारी के प्रतिबंधों के कारण चालक दल मार्च से मई 2020 तक 70 दिनों तक जॉर्डन रेगिस्तान में फंसा रहा। 3D में शूट की गई इस फिल्म का फिल्मांकन 14 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ। हालांकि फिल्म सऊदी अरब में सेट है, लेकिन प्रोडक्शन टीम को वहां शूटिंग की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए उन्हें दूसरे देशों में जाना पड़ा। यह फिल्म भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता ब्लेसी द्वारा निर्देशित और विजुअल रोमांस द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2008 के मलयालम के सबसे लोकप्रिय बेस्टसेलर उपन्यास आदुजीविथम पर आधारित है। बेन्यामिन द्वारा लिखित इस उपन्यास का विदेशी भाषाओं सहित 12 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। फिल्म के पीछे AR रहमान जैसे ऑस्कर विजेता संगीतकार और संगीत निर्देशक भी हैं। उनके साथ एक और ऑस्कर विजेता साउंड डिजाइनर रेसुल पुकुट्टी भी हैं। फिल्म में पृथ्वीराज के अलावा अमाला पॉल, जिमी जीन, रिक एबी और कई अन्य कलाकार भी हैं। पृथ्वीराज के अनुसार फिल्म में भाषा न होने की बहुत बड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि फिल्म के लगभग 20% हिस्से में ही संवाद है। फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपए था। इसके अलावा रिलीज के बाद से ही फिल्म को दर्शकों द्वारा खूब सराहा जा रहा है। फिल्म ने पहले दिन दुनिया भर में 16 करोड़ 17 लाख की कमाई की। यह फिल्म पहले दिन से ही दुनिया भर में 1724 स्क्रीन्स पर चल रही है। सच्ची कहानी पर आधारित यह फिल्म हर किसी को जरूर देखनी चाहिए। और आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।